नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो अति महत्वपूर्ण खबरें, वन रैंक वन पेंशन यानी ORP पर, और दूसरी है दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली OPS पर। दोस्तों सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूज़ से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में है। यह खबर दोस्तों हमारे वर्तमान सैनिक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। दोस्तों ORP लागू होने के बाद कुछ विसंगतियां उत्पन्न हुई थी और इसी विसंगतियों के बारे में लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था और इसी प्रश्न के उत्तर में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा जवाब दिया गया है। दोस्तों जिन सैनिकों ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था और इस केस में कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी और इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। दोस्तों वन मेंबर जुडिशियल कमेटी यानी OMJC और इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 26 अक्टूबर 2016 को, और बाद में सरकार ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी इनको एग्जामिन करने और इसकी फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने को कहा और इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है। और दोस्तों इस कमेटी का गठन किया गया था सरकार के द्वारा 19 जुलाई 2017 को, लेकिन इस कमेटी ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो दोस्तों ये थी वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में लेटेस्ट रिपोर्ट। अगर आगे भी सरकार के द्वारा कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वहीं दोस्तों वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पूर्व सैनिक अभी तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक रवैये से दोस्तों, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार के रुख के खिलाफ फिर होने जा रहा है बड़ा आंदोलन। पुरानी पेंशन का आंदोलन अक्टूबर में स्थगित करने वाले प्रदेश के 150 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने अब एक बार फिर से झंडा उठाकर बिगुल फूकने की तैयारी की है। शासन द्वारा गठित उच्च अधिकारी समिति के रुख से निराश यह संगठन गुरुवार को कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले राजधानी में एकत्रित होंगे। शासन द्वारा 2 महीने के लिए गठित समिति का कार्यकाल 24 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली मंच से 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद 25 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को 2 महीने के लिए यानी 24 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया गया था। कोई समाधान निकलने की उम्मीद नहीं। बैठक में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे सहित अन्य अधिकारियों ने 2 महीने में समिति की स्थिति तैयार होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन समिति के कार्यकाल का अधिकांश समय बीतने के बाद अब तक हुई बैठकों में कोई भी समाधान तैयार नहीं हो पाया है। अब तक की बैठकों में न तो केंद्र के प्रतिनिधि शामिल हुए और न ही समिति में सदस्य बनाए गए विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव ही बैठकों में आए। पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरि किशोर तिवारी बताते हैं कि समिति से अब कोई समाधान निकलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए मंच में शामिल सभी संगठनों की बैठक गुरुवार को बुलाई गई है ताकि अब तक हुई बैठकों का विवरण सबके सामने रखकर आगे की रणनीति तय की जा सके और आगे आंदोलन का निर्णय लिया जा सके। पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारियों की मांग पर मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव सूचना व पर्यटन अविनाश अवस्थी को भी शासन द्वारा गठित समिति में शामिल कर लिया गया है। मंच के संयोजक हरि किशोर तिवारी ने बताया कि मुख्य सचिव ने इसके निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की दो बड़ी खबरें ORP और पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।